नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्लोजर टेक में। मैं सौरभ आज आपको सैमसंग J7 मैक्स की अनबॉक्सिंग दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये दो कलर में आता है, ब्लैक और गोल्ड कलर। तो दोस्तों, आज हमारे पास है ब्लैक कलर का वेरिएंट। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए करते इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं क्या क्या कंटेंट्स दिए हुए हैं। सो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, ये है सैमसंग गैलेक्सी J7 मैक्स। सब जगह से देख लेते हैं कि इसका सील इंटैक्ट है कि नहीं। तो दोस्तों, सील तो इंटैक्ट है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं सब जगह से सील है। तो दोस्तों, पहले सब स्पेसिफिकेशंस पढ़ लेते हैं जो पीछे लिखा है। तो दोस्तों, इसमें सैमसंग पे मिनी आपको मिल जाएगा, 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा आपको मिल जाएगा। 4GB की रैम के साथ आपको 64-bit का ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिल जाएगा। 144.7mm FHD TFT स्क्रीन मिल जाएगी। 32GB की इंटरनल मेमोरी, 3300mAh की बैटरी, स्मार्ट ग्लू लाइट पीछे मिल जाएगी। डुअल सिम सपोर्ट करता है और सैमसंग नॉक्स भी ये सपोर्ट करता है। तो अब दोस्तों, साइड में देख लेते हैं क्या कंटेंट्स दिया है बॉक्स में। तो दोस्तों, मोबाइल फ़ोन दिया है और मोबाइल मॉडल नंबर दिया हुआ है। नेट क्वान्टिटी दोस्तों 1 यूनिट दिया हुआ है। 19,150 प्राइस लिखा हुआ है। इसके अंदर आपको मोबाइल फ़ोन मिल जाएगा, एक डेटा केबल मिल जाएगा, एक ट्रैवल अडाप्टर मिल जाएगा, एक स्टीरियो हैंडसेट मिल जाएगा, एक सिम इजेक्टर टूल मिल जाएगा। अगस्त 2017 में मैन्युफैक्चर हुआ है और सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने इसको मैन्युफैक्चर किया है। और दोस्तों, आप राइट साइड में वो मार्क देख सकते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए करते इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। तो दोस्तों, ये अनबॉक्सिंग नाइफ, मैंने इसको कट कर दिया है। और दोस्तों, इसके अंदर आपका सिर्फ इंडियन सिम कार्ड सपोर्ट करेगा, जैसे कि आप ये ऊपर देख सकते हैं कि इंडियन सिम कार्ड ही ये सपोर्ट करता है। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने बॉक्स खोल लिया है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, ये है सैमसंग गैलेक्सी J7 मैक्स। अभी के लिए दोस्तों, ये फ़ोन को साइड में रख देते हैं और देख लेते हैं कि अंदर क्या क्या कंटेंट्स दिए हुए हैं। तो दोस्तों, ये थोड़ा पेपर वर्क है, तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं, इसके अंदर दोस्तों आपको मिल जाएगी क्विक स्टार्ट गाइड, जैसे फ़ोन कैसे यूज़ करते हो वही सब लिखा है दोस्तों। और दोस्तों, इसके अंदर आपको हिंदी में भी क्विक स्टार्ट गाइड मिल जाएगी। दोस्तों, ये है रीजनल लॉक गाइड, इसके अंदर आप अलग अलग लैंग्वेजेस में देख सकते हैं। ये है सार सर्टिफिकेशन इंफॉर्मेशन। दोस्तों, सार हेड है 0.710, जैसे कि आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये है ट्रैवल अडाप्टर। ट्रैवल अडाप्टर दोस्तों फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता है। आउटपुट दोस्तों 5 वॉट 1.55 एम्पियर लिखा हुआ है। तो दोस्तों, नॉर्मल सा अडाप्टर है और इंडियन यूनिट के लिए तो इंडियन है ये वॉल अडाप्टर। अब दोस्तों, माइक्रो, इसके अंदर आपको माइक्रो USB मिल जाएगी। टाइप सी ये सपोर्ट नहीं करता है फिलहाल के लिए अभी तो। और इस साइड दोस्तों टाइप ए आप देख सकते हैं, जैसे कि जिससे आप डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं ईयरफोन्स के बारे में। तो नॉर्मल इन ईयर ईयरफोन्स दिए हुए हैं इसके अंदर, और गोल्डन 3.5mm ऑडियो जैक नहीं दिया है, नॉर्मल ही दिया है। और दोस्तों, ये है कॉल रिसीव करने के लिए। और दोस्तों, इसके पीछे एग्जैक्टली आप देख सकते हैं जैसे कि माइक दी हुई है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं फ़ोन के बारे में। तो दोस्तों, मैं इसका ये निकाल लेता हूँ प्लास्टिक। प्लास्टिक दोस्तों मैंने निकाल लिया है और अब मैं आपको दोस्तों इसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, फ़ोन कैसा अच्छा और प्रीमियम दिखाई दे रहा है। पीछे की साइड से देख लेते हैं तो पीछे भी बहुत ही अच्छा स्मार्ट ग्लो लाइट आप देख सकते हैं ऊपर, और नीचे सैमसंग की ब्रांडिंग भी हुई है। ऊपर से दोस्तों आप देख लेते हैं, तो ऊपर आपको ईयरपीस मिल जाएगा, 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और उसके साथ एक फ्लैश लाइट मिल जाएगी। अब दोस्तों, नीचे बात कर रहे थे तो बैकलाइट कीज़ मिल जाएगी, होम स्क्रीन मिल जाएगी और बैक का बटन आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अब दोस्तों, राइट साइड में बात कर रहे तो वहाँ पे आपको स्पीकर मिल जाएगा, पावर ऑन ऑफ का स्विच मिल जाएगा और उसके नीचे कुछ नहीं है। अब दोस्तों, नीचे साइड 3.5mm ऑडियो जैक के लिए पोर्ट, उसके बाजू में दोस्तों माइक है, और दोस्तों उसके बाजू में आपका चार्जिंग स्लॉट दिया हुआ है। तो दोस्तों, राइट साइड आपको मिल जाएगी दो वॉल्यूम रॉकर, यहाँ पे आप सिम इंसर्ट कर सकते हैं, माइक्रो सिम आप इंसर्ट कर सकते हैं। उसके नीचे दोस्तों नैनो सिम प्लस HD कार्ड आप इंसर्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों, मैं इसका प्लास्टिक निकाल देता हूँ और पीछे आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, आप जैसे कि देख सकते हैं पीछे से बहुत ही प्रीमियम अच्छा डिज़ाइन दे रहा है। तो दोस्तों, आप जैसे कि ग्लो लाइट देख सकते हो, पीछे फ्लैश लाइट दी हुई है। और दोस्तों, यही थे इसके कंटेंट्स और ओवरव्यू। तो फिलहाल के लिए इसको बूट कर देते हैं। दोस्तों, ये बूट मैंने पहले ही कर दिया था। अब दोस्तों, मैं आपको इसके थोड़े स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ।
जून 2017 में रिलीज़ हुआ था। इसकी बैटरी 3300 mAh की बैटरी है। मीडियाटेक हीलियो P20 का प्रोसेसर दिया हुआ है। 4GB RAM के साथ आपको 32GB इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगी। दोनों साइड 213 MP प्लस 13 MP का कैमरा आपको देखने मिल जाएगा। एंड्रॉयड 7.0 नोगेट आउट ऑफ द बॉक्स दिया हुआ है। नैनो सिम और माइक्रो सिम ये सपोर्ट करता है। और दोस्तों इसके अंदर आपको सब टाइप के सेंसर्स जायरोस्कोप सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर सब मिल जाएंगे। और दोस्तों इसकी प्राइस है 18,000 rupees और 1080x1920 pixels इसका साइज़ है और 5.7 inch की स्क्रीन दी हुई है। अब दोस्तों इसके डिवाइस में हम एक बार देख लेते हैं तो सैमसंग G7 Max जैसे कि आप देख सकते हैं और उसके नीचे एग्जैक्टली मॉडल नंबर दिया हुआ है। तो दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो देखा इसकी बेस्ट बाइलिंग मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसको खरीद सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिए। धन्यवाद।